वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। तो आज का बहुत ही दिन स्पेशल है, रमज़ान शुरू हो गए हैं। आप सबको रमज़ान का चांद मुबारक हो। तो आज पहली सहरी है, जिस जिसने रोज़ा रखा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी आज रोज़ा रखूँगी और अभी टाइम होने ही वाला है, तो चलते हैं देखते हैं। तो सहरी की तैयारी हो रही है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मा सहरी की तैयारी कर रही हैं, रोटियाँ वोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है। और मेरी ड्यूटी रमज़ान में होती है चाय की, तो वो तो मेरी हर रोज़ ही होती है ड्यूटी उसकी। तो मेरी मम्मा यहाँ पे पराठे बना रही हैं और रोटियाँ जो भी हैं, तो देखते हैं अभी आपको मिलेंगे सहरी के टाइम। और साथ ही साथ आज रोज़े के साथ पाकिस्तान डे भी है, क्योंकि 23 मार्च है, तो पाकिस्तान डे भी है आज। और हम लोग आपके साथ चलते रहेंगे, तो देखते हैं सहरी में क्या क्या होता है, और फिर अफ्तार में भी आपसे मिलेंगे। तो अब आपको रमज़ान के व्लॉग मिला करेंगे, रमज़ान के शुरू हो गए और मैं इंशाल्लाह पूरे 30 रोज़े रखूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं और देखते हैं, सहरी भी मिलते हैं। तो मम्मा सहरी की तैयारी कर रही थी, पराठे बना रही थी। मम्मा की ड्यूटी होती पराठे बनाने की, तो मम्मा बना रही थी और मैं आपको दिखा रही थी। फाइनली हम दस्ता लगाते हैं, सहरी का टाइम हो गया है और दस्ता लगा के फिर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे दस्ते लगना शुरू हो गया, सहरी का टाइम हो गया और खाते हैं और आपसे मिलते हैं। फर्स्ट रोज़ी सहरी है आज, और हमारे घर में बन चुका है आज चिकन आलू का सालन पहली सहरी में मज़े मज़े का। सो हमारे साथ यहाँ पे ताहा आ गए, पहली सहरी का रोज़ा रखोगे? हाँ भाई। और हमारे साथ आज हया भी उठी हुई, आओ आ जाओ। ये भी रोज़ा रखोगी? नहीं, हया पे फर्ज नहीं। इधर आओ। क्या हुआ? इधर आओ। हया भी आज की है, हया हाय करो। आज पहली सहरी में भी हया भी है और ताहा भी है, हम तीनों हम दोनों तो रोज़ा रखेंगे। मैं भी तो फर्ज है, मैं भी आप भी। सो गाइस, हमने खा लिया और अभी अजान होने वाली है, देखते हैं अजान होती है तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आप चलो। सो अभी फाइनली मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और अजान हो गई है, जाए नमाज बिछाई हुई है, तो नमाज़ पढ़ते हैं और देखते हैं आज कैसा रोज़ा गुजरा। अफ्तार में भी आपको मिलेंगे, चलें नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं, ये जाए नमाज बिछाई हुई है। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली और अब मैं ये पढ़ूँगी तस्बीह वाली, इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप कुछ भी पढ़ सकते हो। मैं ये पढ़ूँगी और नमाज़ बिछाई भी है मैंने, इस पर बैठ के पढ़ रही हूँ। सो फाइनली मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं सोने के लिए लेट रही हूँ। सहरी के बाद ही सोते हैं, सहरी वहरी करके तब सोने के लिए लेटते हैं और फिर आपको उठ के मिलेंगे नमाज़ पढ़ने की, जोहर की नमाज़ में मिलेंगे। चलो बाय बाय, सुबह मिलते हैं। सो गाइस, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब टाइम होने वाला ही है इफ्तारी का, रोज़ा खुलने वाला मगरिब के अजान के बाद। तो नमाज़ पढ़ चुकी हूँ मैं, देखते क्या होता है, फिर आपको मिलेंगे इफ्तारी के टाइम, क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो रही है और आलू बनना स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और अरहम येरा छोटा सा और आलू बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रूट चाट कट रही थी, तो मैंने दिखा दिया फ्रूट चाट कटते हुए, और यहाँ पे बन रहे थे पकौड़े आलू जो भी बन रहा था। तो यहाँ पे दस्ता भेज दिया था और सब सामान रख दिया था। सो गाइस, रोज़ा लगा खुल गया था और नमाज़ भी पढ़ ली मगरिब की, तो अब देखते हैं। और अब लग रही है चाय की, तो रोज़ा रख के तो चाय नहीं तो नहीं पी सकते, तो चाय पीते हुए आपको दिखाएंगे। तो गाइस, अभी पढ़ाई शुरू हो गई, रोज़े के बाद ये सब पढ़ रहे हैं, और दिया भी पढ़ रही है, अरम हम सब पढ़ रहे हैं, और अरम भी है और हया भी पढ़ रही है। तो अब रोज़े के बाद अफ्तार के बाद पढ़ा करेंगे, तो ये देखिए हम पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ के आपको मिलते हैं। सो हम लोग इस व्लॉग को एंड करते हैं, और मैं आपको बिया को, बिया भी पढ़ रही है और बिया ने भी आज रोज़ा रखा था। बिया कैसा रोज़ा गुजरा आज? बहुत बुरा, बिया को रोज़ा लग रहा था आज। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, सारे रोज़े गुजरे 30 के 30, और कुछ कह रहे हैं कि इस बार 30 रोज़े पूरे होंगे, कुछ तो कह रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी चलें और मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। ये अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।